नमस्कार, गुप्ता सागर स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं पर बहुत काम के हैं। आइए देखिए, ये है राजमा। राजमा अक्सर अगर यदि ज़्यादा दिन रखा रहे तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल के उसको अच्छे से मिला के रखेंगे पूरा, जिससे इससे बिल्कुल भी कीड़े लगने का डर नहीं रहता है, और पॉलीथीन में ही रखे रहने दो। और इसी तरह छोले में भी एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद इसको भी, इस बैग को बंद कर देते हैं। और अब हम इस तरह से करके इस डिब्बे में रखेंगे, डिब्बे को बंद कर देंगे। ये ऐसे ही अगर आपका अगर यूज़ नहीं होता है तो 2-4 महीने ऐसा ही रखा रहेगा, उसमें कीड़े घुन बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। इसी तरह से आप साबुत मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, उसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और चीनी के लिए बताते, चीनी में बहुत जल्दी चींटियाँ हो जाती हैं, तो चीनी में आप लौंग डाल दीजिए और इसमें चींटियाँ पास में नहीं आएंगी बिल्कुल। और एक तरीका और है कि चीनी में आप कपूर डालिए, तो वैसे डालेंगी तो कपूर से चीनी में महक आ जाए, तो कपूर को आप कपड़े में बांध सकते हो या फिर कागज़ में पुड़िया बना के और रख दीजिए, तो इससे भी चींटियाँ चीनी में नहीं लगेंगी। और करेले जब भी आप बनाएं तो काट के उनको सब पानी में डाल के, नमक डाल के 2 घंटे के लिए रख दें, तो करेले का कड़वापन बहुत कम हो जाएगा। धन्यवाद।